अटल इनोवेशन मिशन के तहत जहां युवाओं के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, वहीं स्कूलों में छात्रों के लिए अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज का निर्माण हो रहा है, जहां बच्चे नए आइडियाज पर काम करते हैं और सीखते हैं। ये तस्वीरें भावनगर के श्री विशुद्धानंद विद्या मंदिर की हैं। लाल जी इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। आइए जानते हैं वो इस स्कीम से कैसे जुड़े। मैं उसकी वेबसाइट पर जाकर उसका फॉर्म डाउनलोड किया और जो माहिती उसने पूछी थी उसको हमने लिखकर फिर अपलोड करके हमारा फॉर्म सबमिट किया और बाद में हमने प्रोजेक्ट लेकर बुलाया पुणे। वहाँ हमारा दो विद्यार्थी और दो शिक्षक पहुँचे थे। हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ और इसमें से हमको सरकार ने ये अटल टिंकरिंग लैब दी है। अटल टिंकरिंग लैब के बनने के बाद यहाँ बच्चे नई तकनीकों के बारे में सीखते हैं। लैब में हर एक प्रकार का साधन है जो विद्यार्थी के अभ्यासक्रम में नहीं है वो साधन है। इसमें 3D प्रिंटर है जो उसकी शोध करीब 2 साल पहले हुई है और इसमें इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल जो विद्यार्थी को प्रोजेक्ट बनाना है वो उसको किसी भी जगह पर लगाना, जोड़ना सभी इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, यहाँ के बच्चे अपने इनोवेशन को दूसरों तक भी पहुँचा रहे हैं। मेरी शाला में अटल लैब है जिसका नाम ATAL है। उसमें से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मैं जब मेरे गांव में जा रहा था तब वहाँ पे शौचालय नहीं था, तब वो मुझे बहुत चिड़चिड़ती थी, लेकिन जब मैंने इस वेस्टेड बोतल को इस्तेमाल किया तब सभी लोग इसका शौचालय के उपयोग करने लगे। केंद्र सरकार द्वारा ये लैब्स 6 से क्लास 12 तक के स्कूलों में बनवाए जा रहे हैं। इसके तहत सरकार स्कूल को वित्तीय मदद करती है ताकि जो बच्चे कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं उन्हें बढ़ावा मिल सके।